गार्डन के अंदर ही हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हुई थी। वो ओढ़नी ओढ़ के नाचू वाला गाना जो था ना, वो फिल्माया गया था इन छतरियों में, दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। अब मैं आ गया हूँ जोधपुर के मंडोर गार्डन। जोधपुर से अराउंड 9 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मंडोर जो गार्डन है, वैसे तो इसको मंदोदरी का गांव और रावण जो नहीं है, दद्दसर वाले जो थे, उनका ससुराल कहा जाता है। लेकिन इस बात का कोई तथ्य नहीं है, मतलब ये सच है झूठ है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जस्ट कहा जाता है, लोगों के मुंह से सुना है। मंदोदरी का गांव है, इसलिए अपने रावण जी का ससुराल हो गया ये। इसके अलावा ये मंडोर जो जगह है, मेवाड़ के जो महाराजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी एक टाइम पे। तो ये पार्क जो बनाया गया है, इस पार्क की खासियत क्या है कि एक तो पार्क बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए। कवर करते हैं, टिकट यहाँ पे है नहीं। अगर आप म्यूजियम अगर जाते हो तो 20 रुपये टिकट लगेगी, वैसे कोई टिकट है नहीं यहाँ पे। इसके अंदर महाराजा जो थे यहाँ के, मेवाड़ के जो महाराजा थे, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। सबसे मेन तो देख रहे हो आप, ये हर महाराजाओं की जैसे वन बाई वन जो होता है जनरेशन के हिसाब से बनी हुई है। दूसरी बात क्या है कि इसी गार्डन के अंदर ही हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हुई थी। एक ठंड पे पूरा महल रुका हुआ है। काफी सुंदर पेड़ पौधे यार यहाँ पे, कसम से इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, मन लग रहा है बिल्कुल ही ना। एक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे, मजा आ रहा है। और ये आप जो देख रहे हैं ना मंदिर शेप में, ये मंदिर नहीं है, ये हमारे मतलब अगर मैं बताऊं तो इसको छतरी भी कहा जाता है। कि जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद बनाई जाती है ना छतरी या समाधि, तो ये महाराजा जो थे हिसाब से हैं। अब एक सीन ये वाला देखो आप, यहाँ बारिश हो रही थी तो ये वाला जो सीन था ना वो यहाँ फिल्माया गया था। देख रहा आपको, यहाँ पे बारिश हो रही थी, पूरी फैमिली जो डांस कर रही थी। अब हम चलते हैं। अभी एक मूवी और थी अगर आपने देखी हो तो, तेरे नाम, जिसमें सलमान खान जी पहले जुल्फी होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, दैन फिर उनके बाल कट जाते हैं। तो वो जो सीन था, वो ओढ़नी ओढ़ के नाचू वाला गाना जो था ना, वो फिल्माया गया था इन छतरियों में, दिखाता हूँ आपको। जो ओढ़नी ओढ़ के जो गाना था वो इन छतरियों में से था। देखो सलमान खान के साथ जो डांस किया था, ये वाला जो गाना था। मंडोर गार्डन की पूरी डिटेल है, हिस्ट्री कह लो, मतलब हमारे लिए हिस्ट्री है कोई पहले जो हो चुकी हैं। तो अब ये हमारे श्री रावण जी की ससुराल भी है। तो अब बताओ ये ससुराल वाला जो पॉइंट है ना, ये मतलब कहा जाता है। अब देखो मेन क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें होती है कही जाती है, वही चीज़ हमें सुनी होती है, वही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं, और ये गूगल पे भी है। तो हमने रावण जी की ससुराल भ्रमण करी है। उम्मीद करता हूँ आपको रावण जी की ससुराल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ससुराल घूमना पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। साथ में अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।